हेलो दोस्तों, नमस्कार। द अमेजिंग रिवोल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 15630 सिलघर टाउन तंबाराम नागाव एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ट्रेन सिलघर टाउन असम से पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को होते हुए तंबाराम तमिलनाडु तक चलती है। इस ट्रेन में LHP रेक यूज़ किया जाता है। इस ट्रेन को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन ऑपरेट करती है और ये मेल एक्सप्रेस टाइप का ट्रेन है। और इस ट्रेन का सिलघर टाउन से तंबाराम तक जो दूरी है वो 2970 किलोमीटर का। और इस ट्रेन का मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर का और एवरेज स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर का। और इस ट्रेन का सिलघर टाउन से तंबाराम तक जाने में टाइम लगता है 58 आवर्स 35 मिनट्स का। रास्ते में इस ट्रेन का 41 टर्मिनल हॉल्ट है और इस ट्रेन में ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा भी मौजूद है। तो चलिए अब इस ट्रेन के कोच पोजीशन और फेयर के बारे में जान लेते हैं। इस ट्रेन में 2 सेकेंड AC, 6 थर्ड AC, 7 स्लीपर क्लास, 4 सेकेंड क्लास और 1 पेंट्री कार को शामिल है। और इस ट्रेन का सिलघर टाउन से तंबाराम तक जाने में जो कॉस्ट है वो है सेकेंड एसी का 3590 रुपीज़ और थर्ड एसी का कॉस्ट है 2440 रुपीज़, जिसमें बेस फेयर चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज और GST चार्ज शामिल होता है। स्लीपर क्लास का कॉस्ट है 935 रुपीज़, जिसमें बेस फेयर चार्ज और रिजर्वेशन चार्ज शामिल होता है। और सेकेंड क्लास का कॉस्ट है 570 रुपीज़, जिसमें सिर्फ बेस फेयर चार्ज शामिल होता है। तो चलिए इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में आप जान लेते हैं। ये ट्रेन असम के सिलघर टाउन स्टेशन से हफ्ते में एक दिन फ्राइडे को सुबह के 10:50 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म से छोड़ता है। और इस ट्रेन का जो पहला हॉल्ट है वह जखाला बांदा है। यहाँ पर यह 11:01 पर आता है और 11:03 पर रवाना उत्तर प्रदेश का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद नागांव, यहाँ पर यह 11:48 पर आता है और 11:50 पर रवाना उत्तर प्रदेश का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद चापारमुख जंक्शन, यहाँ पर यह 12:38 पर आता है और 12:40 पर रवाना उत्तर प्रदेश का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद जागी रोड, यहाँ पर यह 1:10 पर आता है और 1:12 पर रवाना उत्तर प्रदेश का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद गुवाहाटी, यहाँ पर ये 2:50 पर आता है और 3 बजे रवाना उत्तर प्रदेश का 10 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद कामाख्या जंक्शन, यहाँ पर ये 3:15 पर आता है और 3:20 पर रवाना उत्तर प्रदेश का 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद रंगिया जंक्शन, यहाँ पर ये 4:05 पर आता है और 4:10 पर रवाना उत्तर प्रदेश का 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद न्यू बोंगाईगांव जंक्शन, यहाँ पर ये 6:55 पर आता है और 7 बजे रवाना उत्तर प्रदेश का 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद कोकराझार, यहाँ पर यह 7:28 पर आता है और 7:30 पर रवाना उत्तर प्रदेश का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद फकीराग्राम जंक्शन, यहाँ पर यह 7:40 पर आता है और 7:42 पर रवाना उत्तर प्रदेश का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद यह ट्रेन असम छोड़ के पश्चिम बंगाल में एंटर होती है। एंटर होने के बाद इसका जो स्टेशन आता है वह न्यू अलीपुर द्वार, यहाँ पर यह 8:27 पर आता है और 8:32 पर रवाना उत्तर प्रदेश का 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद न्यू कोच बिहार, यहाँ पर ये 8:52 पर आता है और 8:57 पर रवाना उत्तर प्रदेश का 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद धूपगुड़ी, यहाँ पर ये 9:47 पर आता है और 9:52 पर रवाना उत्तर प्रदेश का 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद न्यू मैनागुड़ी, यहाँ पर ये 10:07 पर आता है और 10:09 पर रवाना उत्तर प्रदेश का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, यहाँ पर ये 11:40 पर आता है और 11:50 पर रवाना उत्तर प्रदेश का 10 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद बिहार का किशनगंज, यहाँ पर ये 12:55 पर आता है और 1 बजे रवाना उत्तर प्रदेश का 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद बरसोई जंक्शन, यहाँ पर ये 1:43 पर आता है और 1:45 पर रवाना उत्तर प्रदेश का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद मालदा टाउन, यहाँ पर ये सुबह के 4 बजे आता है और 4:10 पर रवाना उत्तर प्रदेश का 10 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद न्यू फरक्का जंक्शन, यहाँ पर ये 4:42 पर आता है और 4:44 पर रवाना उत्तर प्रदेश का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद है झारखंड का पाकुड़, यहाँ पर यह 5:29 पर आता है और 5:31 पर रवाना उत्तर प्रदेश का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद रामपुरहाट जंक्शन, यहाँ पर यह 6:26 पर आता है और 6:31 पर रवाना उत्तर प्रदेश का 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद सीवड़ी, यहाँ पर यह 7:29 पर आता है और 7:31 पर रवाना उत्तर प्रदेश का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद अंडाल जंक्शन, यहाँ पर ये 8:22 पर आता है और 8:23 पर रवाना उत्तर प्रदेश का 1 मिनट का स्टॉप है।
इसके बाद दुर्गापुर यहाँ पर ये 8:40 पर आता है और 9 रवाना तो इसका 20 का स्टॉप है। यहाँ पर स्टेशन का रिवर्स होता है। इसके बाद आता है आसानसोल जंक्शन, यहाँ पर ये 10:20 पर आता है और 10:35 पर रवाना तो इसका 15 का स्टॉप है। इसके बाद जयचंडी पहाड़ जंक्शन, यहाँ पर ये 11:28 पर आता है और 11:30 पर रवाना तो इसका 2 का स्टॉप है। इसके बाद पुरुलिया जंक्शन, यहाँ पर ये दोपहर के 12:18 पर आता है और 12:20 पर रवाना तो इसका 2 का स्टॉप है। इसके बाद झारखंड का टाटानगर जंक्शन, यहाँ पर ये दोपहर के 2:40 पर आता है और 2:45 पर रवाना तो इसका 5 का स्टॉप है। इसके बाद हिजली, यहाँ पर ये शाम के 5:25 पर आता है और 5:35 पर रवाना तो इसका 10 का स्टॉप है। इसके बाद ये ट्रेन पश्चिम बंगाल छोड़ के ओडिशा में एंटर होती है। एंटर होने के बाद जो स्टेशन आता है वह बालेश्वर, यहाँ पर ये शाम के 7 आता है और 7:02 पर रवाना तो इसका 2 का स्टॉप है। इसके बाद कटक जंक्शन, यहाँ पर ये रात के 9:45 पर आता है और 9:50 पर रवाना तो इसका 5 का स्टॉप है। इसके बाद भुवनेश्वर, यहाँ पर ये 10:25 पर आता है और 10:30 पर रवाना तो इसका 5 का स्टॉप है। इसके बाद खुर्दा रोड जंक्शन, यहाँ पर ये 10:55 पर आता है और 11:05 पर रवाना तो इसका 10 का स्टॉप है। इसके बाद ब्रह्मपुर, यहाँ पर ये 12:35 पर आता है और 12:40 पर रवाना तो इसका 5 का स्टॉप है। इसके बाद ये ट्रेन ओडिशा छोड़ के आंध्र प्रदेश में एंटर होती है। एंटर होने के बाद जो स्टेशन आता है वह विशाखापट्टनम जंक्शन, यहाँ पर ये सुबह के 5:30 पर आता है और 5:50 पर रवाना तो इसका 20 का स्टॉप है। यहाँ पर स्टेशन का रिवर्स होता है। इसके बाद राजा मुंडरी, यहाँ पर ये 9:09 पर आता है और 9:10 पर रवाना तो इसका 1 का स्टॉप है। इसके बाद इलूरू, यहाँ पर ये 10:24 पर आता है और 10:25 पर रवाना तो इसका 1 का स्टॉप है। इसके बाद विजयवाड़ा जंक्शन, यहाँ पर ये 11:50 पर आता है और 12 रवाना तो इसका 10 का स्टॉप है। इसके बाद ओंगोल, यहाँ पर ये 2:14 पर आता है और 2:15 पर रवाना तो इसका 1 का स्टॉप है। इसके बाद नेल्लोर, यहाँ पर ये शाम के 4:59 पर आता है और 5 रवाना तो इसका 1 का स्टॉप है। इसके बाद स्टेशन का सेकेंड लास्ट स्टॉपिज वह तमिलनाडु का चेन्नई एगमोर, यहाँ पर ये रात के 8:35 पर आता है और 8:45 पर रवाना तो इसका 10 का स्टॉप है। इसके बाद स्टेशन का डेस्टिनेशन वह तंबाराम, यहाँ पर ये रात के 9:25 पर अपनी यात्रा सौंप लेती है और 2970 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लेती है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।